Good morning, everybody. I am Tanvir Neja, clinical psychologist at Tulsi Healthcare, Gurgaon. So, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं. What are some of the symptoms of schizophrenia in children? So, उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि schizophrenia actually होता क्या है. So, schizophrenia is a mental health condition which affects the way we think, feel and perceive and our emotions are affected. So, इसमें basically क्या होता है that people, individuals develop a distorted way of reality which is very different from what the actual factual world is. So, this involves experiencing certain symptoms like hallucinations, delusions and हमारा thought process disturbed हो जाता है, speech disturbed हो जाती है और बहुत सारे negative symptoms हो सकते हैं like low motivation and किसी से बात करने का मन नहीं करता, pleasure experience नहीं करते. So, these are some basic symptoms of schizophrenia. बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं. सो सबसे पहले स्किज़ोफ्रेनिया इज यूजुअली डायग्नोस्ड बाय द एंड ऑफ टीनेज इयर्स या फिर अर्ली 30 तक स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण विजिबल होते हैं और हम डायग्नोज कर सकते हैं. बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि चिल्ड्रन में स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण दिख सकते हैं. सो इन दोज टर्म्स बिफोर 18 अगर सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया, या फिर अगर 13 ईयर से भी पहले हम सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेरी अर्ली ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया. सो ये टू डिफरेंट कैटेगराइजेशन है. सिम्टम्स कैन स्टार्ट बिफोर 13 ईयर्स ऑल्सो एंड बिफोर 18 ईयर्स ऑल्सो. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं. सो सिम्टम्स अगेन तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल थिंकिंग, इमोशंस एंड बिहेवियर. सो अगर हम थिंकिंग की बात करें, थॉट प्रोसेस की बात करें, तो उसमें जो जो चेंजेस आ सकते हैं वो ये है कि थिंकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन में डिफिकल्टीज आने लगती हैं, वो बहुत ज़्यादा फियरफुल या एंग्शियस हो जाते हैं और सस्पिशियसनेस आने लगती है इन टर्म्स ऑफ कि बच्चे सोचने लगते हैं कि मेरा ये फ्रेंड मेरे बारे में अगेंस्ट बोल रहा है या मेरे मम्मी पापा मेरे अगेंस्ट है. सो एक उनको वहम होने लगता है, सस्पिशियसनेस इसको हम कहते हैं. सो थॉट प्रोसेस में ये चेंजेस आते हैं. बिहेवियर वाइज वो या तो बहुत इरिटेबल होते हैं या एकदम ही लोनली लो मूड रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता उनका, एग्रेशन बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है. जो बेसिक डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे सेल्फ एक्टिविटीज, रोज नहाना या अपना पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना, वो भी नहीं रख पाते हैं या डिटोरेशन आ जाती है उसमें. इन टर्म्स ऑफ इमोशंस वो अपना इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं करते, एकदम अपने में ही आइसोलेट हो जाते हैं, उनका एक्सप्रेशन एकदम फ्लैट अफेक्ट हो जाता है, एकदम टोन उनकी डल हो जाती है, मोनोटोनस हो जाती है. एंड ये सब चीज़ों की वजह से उनकी डे टू डे एक्टिविटीज या स्कूल कॉलेज उस सब परफॉर्मेंसेज में भी डिटोरेशन आ जाती है. तो क्योंकि उनके फ्रेंड्स नहीं होते, वो लोनली होते हैं, तो उनका मन नहीं करता और इन जनरल जो मोटिवेशन फैक्टर होता है वो भी इफेक्टेड होता है. सो दीज वर सम अर्ली सिम्टम्स जो चाइल्डहुड ऑनसेट में देख सकते हैं. अब स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली इन चिल्ड्रेन इज लिंक टू अ ग्रेटर जेनेटिक वल्नरेबिलिटी. सो फॉर एग्जाम्पल जिसकी फैमिली में ऑलरेडी कोई पर्सन है जिसको स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस्ड है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल रिलेटिव्स, सो उस केसेस में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि चाइल्डहुड से ही ऑनसेट या सिम्टम्स दिखाई देने शुरू होते हैं. एंड इसके अलावा जो साइकोसोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस, ट्रॉमा, अब्यूज, अगर वो सारे फैक्टर्स भी हैं सो भी इट्स लाइकली दैट द सिम्टम्स कैन स्टार्ट प्रिवेलिंग फ्रॉम वेरी अर्ली एज. अब ये थे अर्ली सिम्टम्स. अब एट अ लेटर स्टेज जब सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, बच्चे बड़े होने लगते हैं, सो लेटर स्टेज में दे कैन अगेन एक्सपीरियंस द सेम सिम्टम्स दैट अडल्ट्स एक्सपीरियंस. फॉर एग्जाम्पल हैल्यूसिनेशंस, सीइंग थिंग्स दैट आर नॉट रियल, हियरिंग थिंग्स दैट आर नॉट रियल, और डिल्यूजन्स लाइक फॉल्स फिक्स्ड बिलीव्स कि ये मेरे अगेंस्ट है या ये मेरे फेवर में नहीं है. सो वो सब चीज़ें उनका एक थॉट प्रोसेस बन जाता है या उनकी स्पीच एकदम इनकोहेरेंट हो जाती है, हम समझ ही नहीं पाते कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनके जो इमोशंस है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. सो इसके अलावा लो मोटिवेशन हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया इस वीडियो में कि लो मोटिवेशन हो जाता है. वो जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे अगर पहले कोई हॉबीज थी सो उन हॉबीज में उनका इंटरेस्ट एरिया कम हो जाता है. सो दीज आर सम बेसिक सिम्टम्स. एंड इन एडिशन कॉग्निटिव सिम्टम्स, अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन में डिफिकल्टी आने लगती है, वो एक जगह बैठ के काम बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं. सो ये सारे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से मतलब जो मैनिफेस्ट कर सकते हैं ड्यू टू स्किज़ोफ्रेनिया. अब ये समझना ज़रूरी है कि स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस कैसे हो सकता है बच्चों में. सो सबसे मेन जो कंसर्न है और पॉइंट है वो ये है कि
एज पेरेंट्स एज फैमिलीज वी हैव टू बी फर्स्ट अवेयर कि सिम्टम्स होते क्या क्या हैं चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया के. सो जो सिम्टम्स मैंने अभी बताए वो सारे सिम्टम्स होते हैं. सो वंस यू आर अवेयर ऑफ द सिम्टम्स ओनली देन यू कैन नोटिस देम इन योर चाइल्ड एंड वंस यू आर एबल टू नोटिस देम इन योर चाइल्ड यू कैन टेक एन एक्शन. सो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको अपने आप को अवेयर करवाना है, नोटिस करना है कि अगर आपके चाइल्ड में बच्चे में कोई भी ऐसे बिहेवियर चेंजेस पर्सनैलिटी चेंजेस इमोशन चेंजेस या उनके थॉट प्रोसेस में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो आपको नोटिस करने हैं. कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पॉइंट पे बचपन में इग्नोर कर दिया और फिर जब बड़े होके वो सिम्टम्स ज़्यादा हो गए तो आप एक्शन लो. नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया किसी भी मेंटल इलनेस या साइकाइट्रिक इलनेस में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम ये समझे कि अर्ली इंटरवेंशन ज़रूरी होती है. जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतने बेटर रिजल्ट्स आपको आगे मिलेंगे, उतना चांसेस रिकवरी का बढ़ जाएगा. सो वंस द पेरेंट और द फैमिली मेम्बर्स आर एबल टू नोटिस दीज वार्निंग साइंस, जैसे वो स्कूल नहीं जा पा रहा या अवॉइड कर रहा है फ्रेंड्स फैमिली को, थोड़ी बातें उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो गए हैं, पहले जो काम करता था उसमें अब उनको खुशी नहीं मिलती है, सो दीज आर सम बेसिक वार्निंग साइंस. अगर आपको किसी भी बच्चे में या अपनी फैमिली में रिलेटिव्स में ये साइंस नोटिस हो, सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू कंसल्ट अ डॉक्टर और अ प्रोफेशनल. सो यू कैन ऑलवेज टेक द चाइल्ड टू अ साइकाइट्रिस्ट और अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. बोथ द साइकाइट्रिस्ट एंड द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विल टेक डिटेल्ड हिस्ट्री एंड डू देयर असेसमेंट एंड एवेल्युएशन एंड देन कम टू अ कंक्लूजन एंड देन मेक द डायग्नोसिस. बट ओवरऑल जरूरी ये है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपके बच्चे में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और उसके लिए आपको एक एक्शन लेना है. So this was about symptoms of schizophrenia in children, कि बच्चों में schizophrenia के symptoms कैसे हो सकते हैं. अगर आपको information important लगी, पसंद आई, so आप share कर सकते हैं and you can also like and subscribe to our channel. Thank you.